नमस्कार दोस्तों, अभी हम सीखेंगे किसी भी बाइक के गियर कैसे चेंज करने हैं। हमारी अब जो हम बाइक काम में ले रहे हैं वो है आपका स्प्लेंडर प्लस। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, कुछ बाइक के गियर की जानकारी यानी उसमें कितने गियर लगते हैं, कौन सा गियर किस दिशा में लगता है, यह जानकारी यहाँ पर टैंक पर दे रखी होती है। जैसे इसमें चार गियर पीछे की ओर शिफ्ट होंगे, ठीक है, और आगे की ओर जब दबाएंगे तो आपके शिफ्ट डाउन यानी न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये गियर है, पीछे दबाया एक नंबर लग गया, फिर दबाएंगे दो नंबर, फिर दबाएंगे तीन नंबर, फिर दबाएंगे चार नंबर, न्यूट्रल करना है तो आगे दबाएंगे, ठीक है। और कुछ बाइक की जानकारी यहीं पर दे रखी होती है, इस गियर के पास ही। और यदि आपको यह पता नहीं है, ना यहाँ दे रखी है ना यहाँ दे रखी है, तो आप अपने दोस्त से पूछ सकते हैं कि कौन सा गियर किस तरफ लगेगा, वो आपको बता देंगे। ये हमारा स्विच है, इसमें चाबी डाला, एक बार टर्न किया ऑन हो गया, ऐसे मतलब स्ट्रेट रहेगा तो आपका ऑन हो जाएगा, ऐसे आप आइडिया लगा सकते हैं। न्यूट्रल है तो यहाँ हरी बत्ती होकर रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे अन्य वीडियो में हमने बाइक चलाना सीखा है, बाइक को रवाना करना सीखा है, रोकना सीखा है। अभी इस वीडियो में हम अपना केवल गियर कैसे चेंज करते हैं यही जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने अपना बाइक को स्टार्ट कर दिया, अब क्या करना है, सिंपल है। तो देखिए, जैसे मैंने अपना यहाँ पर क्लच दबा रखा है और एक बार गियर मैं पीछे दबाऊंगा, देखिए ऐसे गियर पीछे दबाऊंगा तो एक नंबर लग जाएगा। फिर मैं आपको बोलूंगा कि एक बार पीछे दबाया, मतलब ऐसे ही दबाऊंगा जैसे एक नंबर लगाया वैसे, ठीक है। तो दो नंबर तीन नंबर ऐसे है जो स्टेप बाय स्टेप हम लगाते रहेंगे। अब बाइक को रवाना करने का सिंपल तरीका है, हम क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक पॉइंट के बाद आपका इंजन का आवाज़ धीरे होना शुरू हो जाएगा और आपको ऐसे फील होगा कि बाइक आगे जाने का कोशिश कर रही है, तो उस समय हमें अपना थोड़ा सा एक्सीलेटर बढ़ा देना है, ओके। तो देखिए, बाइक आपका रवाना हो जाएगा, अपने आप रवाना हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे बाइक पूरा रवाना हो गया तो अपने को क्लच पूरा छोड़ देना है, ओके। तो ये तो बाइक रवाना करने का तरीका भी हमने सीख लिया। अब गियर चेंज करना है, तो देखिए स्पीड हो गया 20 का, तो मैंने क्लच दबाया, एक्सीलेटर कम कर दिया, ओके, और गियर को पीछे दबा दिया, तो ये दो नंबर लग गया है। अब क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, क्लच छोड़ दिया और एक्सीलेटर बढ़ा देना है, तो ये दो नंबर में चल रहा है, ठीक है। तीन नंबर लगाना है, थोड़ा स्पीड हो गया, क्लच दबा दिया, एक्सीलेटर कम कर दिया और तीन नंबर गियर लगा दिया, ठीक है, वही सेम प्रोसेस। फिर चार नंबर लगाना है, धीरे करना है तो एक्सीलेटर कम कर दिया, पीछे का ब्रेक दबाया और गियर में दो शिफ्ट डाउन कर दूंगा। जैसे स्पीड हमारी बहुत धीरे हो गई है, तो 15-20 की हो गई, तो और फिर भाई सेम प्रोसेस, क्लच छोड़ देना है, एक्सीलेटर बढ़ा देना है, तो हमारा बाइक नॉर्मल चलने लग गया है, ठीक है। फिर थोड़ा स्पीड हो गया, क्लच दबाया, एक्सीलेटर कम किया, एक बार गियर पीछे दबा दिया, हमारा तीन नंबर लग गया, फिर स्पीड बढ़ाया, दो गियर और निकाल दिए, बाइक बिल्कुल धीरे हो गया, थोड़ा बहुत धीरे हुआ तो एक गियर निकाल दो, ठीक है। स्पीड के अनुसार ही हमें गियर लगाने हैं, यह ज़रूरी नहीं है कि आप दो ही निकालो, हो सकता है कभी कभी आप एक नंबर में भी लाना पड़ सकता है, वो डिपेंड किस पे करता है, स्पीड पे करता है, ठीक है। स्पीड के अनुसार ही अपने गियर लगाना है, जिससे कि हमारी बाइक का इंजन लंबे समय तक चले और बाइक की। अब जैसे हमारी बाइक तीन नंबर में चल रही है, क्योंकि हमारी स्पीड तीन नंबर के अनुसार ही है, जैसे आगे सीधी सड़क आ जाएगी तो मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाकर अपना चार नंबर गियर लगा दूंगा, ओके। बाइक धीरे होने पर मैं मेरा क्लच दबा दूंगा, ओके, और फिर पूरा रुकने तक मैं मेरे पैर नीचे नहीं करूँगा और पीछे का ब्रेक दबा कर ही रखना है, ओके, जब तक कि बाइक आपका पूर्णतः धीरे नहीं हो जाता है। और हमें क्लच देखिए दबाया हुआ है, न्यूट्रल कर देना है धीरे धीरे अपने सारे गियर को, ओके। न्यूट्रल होते ही यहाँ पे आपका हरा लाइट आ जाएगा,
यह है दोस्तों आपका बाइक का गियर चेंज करने का प्रॉपर तरीका, जिसमें गड्ढे पे किस प्रकार से धीरे करना है, वापस से किस प्रकार से स्पीड बनानी है, यह भी हमने आपको इस एक ही वीडियो में बताने की कोशिश की है। धन्यवाद, मैं हूँ आपका अपना प्यारा सुरेंद्र विश्नोई। तो आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ऐसे और वीडियोज़ लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय जम्बेश्वर भगवान की।